Assalamualaikum guys, welcome to my channel. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम बनाने जा रहे हैं मजेदार सी चीजी एंड सिजलिंग मलाई बोटी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम रेडी करेंगे अपना व्हाइट सॉस। यहाँ पे हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून बटर। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मेल्ट। हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हरा धनिया और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और यह हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। हमने ले लिया था 4 टेबल स्पून दही। इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून क्रीम, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 3 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेस्पून सॉल्ट, 1 टेस्पून जीरा पाउडर, 2 टेस्पून वाइट पेपर, 2 टेबल स्पून ऑयल और हम लेंगे 2 टेबल स्पून बारीक कटा हरा धनिया। अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 केजी बोनलेस चिकन जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम इसे 40-45 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ हमने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे। अब हम इसे दोनों साइड से अच्छी तरह पका लेंगे। हमने एक साइड को 5-6 मिनट तक पकाना है। अब हम इसके ऊपर व्हाइट सॉस लगाएंगे जो हमने रेडी किया था। अब हम इसके ऊपर मोजरेला चीज का स्लाइस रख देंगे और हमने इसके ऊपर हल्की सी स्प्रिंकल कर दी है चिली फ्लेक्स, हल्का सा फ्रेश कोरिएंडर। अब हम इसे कवर करके चीज मेल्ट होने तक पकने देंगे। और यहाँ हमारी मजेदार सी चीजी एंड सिजलिंग मलाई बोटी बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन या रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।